नेता व चंद्रपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष संतोष रावत पर गुरुवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना जिले के मूल कस्बे में हुई है। यह सभी सीसीटीवी में कैद हो गया है। हालांकि फायरिंग में संतोष रावत घायल नहीं हुए हैं, लेकिन गोली उनके हाथ में लग गई। इस घटना से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। कांग्रेस नेता एवं चंद्रपुर सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष संतोष रावत गुरुवार को मूल स्थित जिला बैंक शाखा में बैठे थे। वहीं से निकलते ही हमलावर मारुति स्विफ्ट डिजायर कार से वहां पहुंचे। कार में एक नकाबपोश व्यक्ति निकला और उन्होंने संतोष रावत पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के वक्त संतोष रावत दोपहिया वाहन पर थे। हमले में रावत बाल बाल बच गए। इस घटना से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही रावत के समर्थक मौके पर पहुंचकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। रावत खुद थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। संतोष रावत पर फायरिंग सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। सीसीटीवी में हमलावर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। फिल्मी स्टाइल के इस हमले ने शहर में सनसनी मचा दी है। मूल सिटी के इतिहास में इस तरह की ये पहली घटना बताई जा रही है। इनबीसी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।